नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त हर्ष बंसल। आपका स्वागत है YouTube चैनल मिस्टर ग्रोथ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जरूरी जानकारी शेयर करूंगा कि कभी आपका खुद का, आपके किसी रिलेटिव का, फ्रेंड का या फिर फैमिली मेंबर का मोबाइल चोरी हो जाए या फिर गुम हो जाए, क्या उसे आप ट्रैक कर पाओगे या फिर इसके लिए आपको किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, या फिर IMEI नंबर के बारे में हम बात करेंगे कि क्या IMEI नंबर से आप फ़ोन के लोकेशन को ट्रैक कर पाओगे। फ्रेंड्स, देखिए, इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको तब पड़ती है अगर आपका फ़ोन गुम या चोरी हो गया हो। तब आप सबसे पहले YouTube पर सर्च करेंगे कि शायद कोई इस टाइप की वीडियो हो और मैं जल्दी से अपने मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक कर लूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपके साथ एक ज़रूरी चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अगर IMEI नंबर से आप फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे या करना चाहते हैं या फिर इस तरह की कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये अथॉरिटी किसी भी पर्सन के पास नहीं होती, ना आपके पास ना मेरे पास। आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि अगर इस तरह की अथॉरिटी किसी को मिल जाएगी कि आप उसकी लोकेशन ट्रैक कर लीजिए, तो अगर इस तरह से कोई भी पर्सन किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता होगा वो तो दो मिनट भी नहीं लगाएगा, उसकी लोकेशन ट्रैक करेगा और उसको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए फ्रेंड्स, हर किसी आम पर्सन को ये पावर नहीं दी जाती, ये अथॉरिटी सिर्फ पुलिस के पास या फिर कोई हाई क्लास अधिकारी वगैरह जिनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि किसी का फ़ायदा हो पाए, उनके पास ही ये अथॉरिटी होती है। यानी कि कभी भी आपका फ़ोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो फ्रेंड्स आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पर FIR नोट करवाइए, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आपका फ़ोन मिल जाए। अदरवाइज आप खुद मोबाइल को IMEI नंबर से ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और IMEI नंबर आपको अपनी गूगल ID पर मिल जाएगा, क्योंकि आपने जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह यूज़ किए होंगे वो सब आपकी गूगल की ID पर सेव रहते हैं, वहाँ से आपको अपना IMEI नंबर मिल जाएगा। या फिर आपके मोबाइल के बॉक्स या बिल पर भी IMEI नंबर होता है, वहाँ से आपको IMEI नंबर मिल जाएगा। आपके मोबाइल में जितने सिम स्लॉट होंगे उतने ही IMEI नंबर आपके फ़ोन के आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कैसे आप बिना किसी एप्लीकेशन के आपके मोबाइल को ट्रैक कर पाओगे। ये आपके लिए तब यूज़फुल हो सकता है, मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड का, फैमिली मेम्बर का, रिलेटिव का फ़ोन आ गया कि यार मेरा फ़ोन गुम हो गया, तो इसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं कि शायद उनका फ़ोन अभी भी ऑन हो या फिर आपका फ़ोन गुम या चोरी हो गया है वो ऑन हो, तो आपको काफ़ी मिलने के चांसेस रहते हैं। वैसे आजकल के जो अगर चोर वगैरह हैं वो फ़ोन को चुरा लेते हैं या फिर कहीं आपका फ़ोन गुम हो जाता है, लगभग मोस्टली काफ़ी लोगों को जानकारी होती है, वो साथ के साथ मोबाइल को बंद वगैरह कर देते हैं ताकि कोई ट्रैक ना कर पाए। लेकिन फिर भी आपको अपनी एक ट्राई ज़रूर मारनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये खुद का भी एक्सपीरियंस है। मेरा एक फ़ोन गिर गया था जो कि मेरे को 5 मिनट के अंदर ही मैंने उसकी लोकेशन ट्रैक करके अपना वो फ़ोन पा लिया। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी इस कोशिश को ज़रूर कीजिए। इसके लिए आपको दो चीज़ें फॉलो करनी होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी का। इसके बाद फ्रेंड्स आपने जाना है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है फाइंड माई फोन, ये ऑप्शन आपके यहाँ पर टिक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यही ऑप्शन है जो कि आपकी गूगल ID से आपका फ़ोन ढूंढने में आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद अगर फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपके मोबाइल में ऑन होगा तो कहीं भी आपका फ़ोन गुम हो जाए या गिर जाए, जल्दी से आप किसी का भी स्मार्टफोन लेके या फिर कहीं भी आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिल पाए वहाँ पर आप जल्दी से गूगल में जाएँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको टाइप करना होगा एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर। टाइप करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, जो भी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी पहले नंबर पर, आपने उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी गूगल ID और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके फ़ोन की करंट लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम मेरे मोबाइल की लोकेशन ये है, तो आपका अगर फ़ोन गुम या चोरी हो जाए तो जल्दी से आप इस मेथड को अप्लाई करिए और इस तरह से आपके फ़ोन की लोकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ ही आपको 3 अलग से और ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है प्ले साउंड का, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितना भी स्पीकर का वॉल्यूम होगा वो लाउडली बजना शुरू हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपको लॉक का मिल जाएगा। लॉक तो आमतौर पर हम मोबाइल को लगा कर रखते हैं, फिर भी अगर आपको लगे कि आप अपना डाटा प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप लॉक लगा सकते हो। थर्ड नंबर पर आपको इरेज का ऑप्शन मिल जाता है। इरेज पर क्लिक करने से आपके मोबाइल का सारा डाटा क्लीन हो जाएगा, लेकिन फिर आप अपने मोबाइल को ट्रैक वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है,
ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपके पास आपके फैमिली मेंबर की जीमेल आईडी एंड पासवर्ड वगैरह हैं तो इस तरह से आप अपने फैमिली मेंबर की लोकेशन भी अपने मोबाइल से चेक कर सकते हो, और इसके लिए उनके मोबाइल में किसी भी अलग एप्लीकेशन का होना जरूरी नहीं है। इसमें आपको एक और अच्छा ऑप्शन भी मिल जाता है, इसमें आपकी जितनी भी लोकेशन है वो सब सेव होती रहती हैं। आज तक आप जिस भी लोकेशन पर गए हो, मैं इसके बारे में स्पेशल एक वीडियो भी बना चुका हूँ, आपको लास्ट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कि आप जिस भी लोकेशन में आज तक गए हो अपनी जीमेल आईडी के साथ, तो आपकी वो सारी लोकेशन इसमें सेव होती रहती है। आप खुद देख सकते हो कि मैं किस डेट को या फिर इस साल में मैं किस किस जगह पर गया, वो सारी लोकेशन आपकी इसमें शो हो जाएंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो अगर किसी का मोबाइल गुम या चोरी हो जाए उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आप वन टाइम ट्राई भी जरूर करके देखेंगे, इसको आप जरूर ट्राई करके देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप इसको तब ट्राई करें जब आपको एमरजेंसी में इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि अगर आप इसको पहले ट्राई करके देखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपकी स्पीड भी बन जाती है अगर कोई चीज़ आप ट्राई करके देखते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और डिसलाइक करने वाले पर्सन कभी भी अपनी ड्यूटी नहीं भूलते, वो वीडियो को डिसलाइक करते ही करते हैं, वीडियो अच्छी हो चाहे बुरी हो। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी अपनी ड्यूटी जरूर निभाइए, क्योंकि ऐसे पर्सन आपसे आगे नहीं जाने चाहिए। वैसे तो डिसलाइक करने वाले पर्सन कभी भी ज़्यादा आपसे नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा लाइक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को अच्छा लगने के बावजूद, तो ऐसे पर्सन कुछ परसेंटेज वीडियो का ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम जल्दी मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।